हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे राम मंदिर अयोध्या पर आसान हिंदी निबंध। तो आओ शुरू करते हैं। राम मंदिर। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा एक हिंदू मंदिर है, जहां मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। मंदिर निर्माण की पर्यवेक्षण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर रहा है। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप श्री राम लला तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। खंभों व दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही है। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कुप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त, निषाद राज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परंपरा अनुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। तो इस तरह से राम मंदिर अयोध्या पर आसान हिंदी निबंध लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरे वीडियोज़ को आप देख पाएँ। सो सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।